नाजरीन, आप सबको व्यूवर्स को मैंने मिर्च की सीडलिंग ट्रे में सीड से करके बताई थी। ये जो मैंने मिर्च की वैरायटी लगाई थी, ये देसी मिर्च की थी। ये मैंने आपको, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर कार्ड में भी आ रहा है। देसी मिर्च की सीडलिंग मैंने की थी, तो ये मैंने बताया था कि इस प्लांट की जो हाइट है वो कम होती है, तो सॉरी, यो इस प्लांट की हाइट जो है वो थोड़ी हाइब्रिड से ज़्यादा होती है। तो कुछ प्लांट जो हैं मैंने वो ऑलरेडी क्यारी में शिफ्ट कर लिए थे, क्योंकि उस वक्त ये छोटे प्लांट थे, जो बड़े हो गए थे उनको मैं ऑलरेडी क्यारी में शिफ्ट कर चुका हूँ। अब ये कुछ प्लांट रह गए हैं, तो ये अभी मैं इनको क्यारी में शिफ्ट करूँगा। दोस्तों, मैंने आज से 20 दिन पहले इनको लगाया था, मैं पूरे 20 दिन का रिज़ल्ट है, और 15 दिन बाद जो ज़्यादा हेल्दी प्लांट थे उनको मैं अपनी क्यारी में शिफ्ट कर चुका हूँ। तो इस ट्रे में मैंने जो है फील्ड सोइल और भालू मिट्टी यूज़ की थी, तो इनको मैंने ज़्यादा धूप से भी बचाया। अभी तो खैर सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है, तो और जब रात होती तो इनको मैं प्लास्टिक शीट से दाब देता था, क्योंकि रात को अगर बारिश हो जाए तो ये ट्रे में सीडलिंग ख़राब होने का डर होता है। मुझे जब भी इस मिट्टी का ऊपर वाला ये सर्कल एरिया, जो सर्कल एरिया है, ड्राई महसूस होता, तो मैं इसको शावर से पानी देता रहा इन 20 दिनों के दरमियान। हर सुबह हल्का सा शावर इनको देता रहूँ। रोज़ शावर देने से सीलिंग ट्रे को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके ये होल तो होते छोटे हैं, इनमें पानी ज़्यादा नहीं आ सकता, ना ही पड़ी पानी जो इनमें खड़ा रह सकता है इन होल्स में। ओके, तो दोस्तों, अब ट्रे में इन प्लांट की बहुत खिदमत कर ली गई है, अब ये बिछड़ने वाले हैं इस ट्रे से, मतलब के इनको निकाल कर आज मैं क्यारी में लगाऊंगा, और आपसे क्यारी में इनको रिपोर्ट करने का तरीका भी शेयर करूंगा, जिससे आपकी सीडलिंग जो है बहुत कम फेल होगी। दोस्तों, मैं जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था, जो टमाटर की सीडलिंग की वीडियो है, उसको मैंने भी आपको लगा कर दिखाया था बग़ैर क्यूब्स के। हालांकि ये सीडलिंग ट्रे में जो है इसका क्यूब्स निकल आता है, लेकिन मैंने आपको उस वीडियो में भी, टमाटर सीडलिंग की वीडियो में भी, बग़ैर क्यूब्स के जो है वो क्यारी में लगा कर दिखाया था। अब जब मैं इनको क्यारी में लगाता हूँ, तो वो उसकी सीडलिंग का रिज़ल्ट भी, टमाटर की सीडलिंग जो मैंने शिफ्ट की थी उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ। आप खुद देखेंगे कि जो तरीका मैंने बताया था सही है या गलत है। तो मेरे दोस्तों, इनको मैं अभी एक एक करके जो है खाड़े लेता हूँ। पानी ऑलरेडी लगा हुआ है, देखें इसकी रूट्स। इनको मैं एक एक करके सब प्लांट को खाड़े लूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, हालांकि मार्केट में जो है हाईब्रिड बहुत सी वैरायटीज़ इसकी चिलीज़ की आई हुई हैं, वो हाईब्रिड्स हैं, काफ़ी फ्रूट देती हैं, देसी के मुकाबले में ज़्यादा फ्रूट देती हैं, मगर मुझे, मैंने आपको बताया भी था, मुझे ये जो देसी मिर्च है ये मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं इसको ज़्यादा तरजीह देता हूँ हाईब्रिड के मुकाबले में। तो ये दोस्तों निकाल ली है मैंने। अब ये देखिए इनकी रूट्स, मैं इसको पानी में थोड़ा सा आपको धोकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब इनके रूट्स हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, ये आप खुद देख सकते हैं कितने प्यारे इनके लंबे लंबे जो हैं वो रूट्स बने हैं। तो इनको इनको लगाने के बाद इनके फेल होने का चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इनके रूट्स, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जो सोयल मैंने यूज़ की है क्यारी में, उसमें डेवलप हो सकेंगे।
दोस्तों इसके साथ अभी मैं क्यारी में लगाता हूँ, जो मैं आपको टमाटर की सीडलिंग भी लगाई थी, उस टमाटर की सीडलिंग का भी जो लिंक है ऊपर कार्ड पर आ रहा होगा, तो वो भी आप देख लें, वो भी मैंने इसी तरीके से लगाई थी। चलते हैं क्यारी की तरफ। तो ये देखिए, इस तरह अपने एक क्यारी को मैंने ऑलरेडी पानी लगाया हुआ है, ताकि इसकी ज़मीन जो है वो गीली है, ताकि बड़ी आसानी से इसके ऐसे उंगली से आपने दबाकर ऐसे लगाए देना है। तो ये सीडलिंग पानी की प्यासी होगी, तो बहुत कम चांसेस हैं इसके डेड होने के। ये देखें, एक एक करके मैं इनको इस क्यारी में जो है वो लगाए दूंगा। इसकी रूट्स काफ़ी लंबी हैं, इसको आप उंगली की मदद से जो है वो आप, मैं अभी अब दिखाता हूँ इस लंबी रूट्स को कैसे लगाना है दोस्तों। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था, ये टमाटर की जो सीडलिंग है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने इस क्यारी में पानी लगाकर बिल्कुल इसी तरह जो है वो लगाई थी, देख लें, आप खुद देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। बहुत हेल्दी प्लांट हो रहे हैं ये, देखें बहुत ही जल्दी ये जो है वो फ्रूटिंग। तो इस तरह आप एक एक करके इनको जो है वो लगा लीजिए। ये देखें, मैं आपको लंबी रूट्स का तरीका भी बताता हूँ। ये लंबी रूट्स है, इसको आपने ऐसे उंगली की मदद से सारा जो इस मिट्टी में है वो दबाए देना है, ऐसे दबाना है, ख्याल रहे कि इसकी जो लॉन्ग रूट्स हैं वो टूटने ना पाए, और इस तरह इर्द गिर्द मिट्टी से लगा देना है। ओके, तो दोस्तों ये मेरी सेकंड वीडियो थी मिर्च की सीडलिंग की, और ये कुछ प्लांट मैंने जो हैं वो गमलों में शिफ्ट कर लेने हैं, ताकि आपको घर में मिर्ची का रिज़ल्ट उगा कर दिखा सकूं। ओके, तो बाय।